अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MGT 111 के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि समझ लें कि गुड न्यूज़ है उनके लिए कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिड टर्म एग्जाम के लिए हैं उनकी एक वीडियो बना दी है। और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिर्फ नाम नहीं बताऊँगी बल्कि उनके कंसेप्ट भी दूँगी कि कितने किस टॉपिक को कितना याद करना है, ठीक है, किस तरीके से याद करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इसके ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें मैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे MCQs आपको दूंगी जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो है वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की वैल्यूज़, यानी कि ये आपके समझने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मौजूद हैं कि 3 वैल्यूज़ होती हैं डेमोक्रेसी की, वो आपने याद करनी है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट ये आ जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे, क्योंकि आपके जल्द बहुत ही जल्दी जो है वो थ्योरीज शुरू हो जाती हैं इसमें, तो जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट MGT 111 के साथ साथ 503 भी है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि दोनों की थ्योरीज सेम है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, FW Taylor की 4 प्रिंसिपल्स आपने याद करना है, यानी कि सारी थ्योरीज को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जितना इंपॉर्टेंट है थ्योरीज में से वो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, ये थ्योरी में से कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि ये 4 प्रिंसिपल हैं टेलर के, ये आपने 4 प्रिंसिपल्स याद कर लेने हैं, बाकी इधर उधर की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs के हवाले से जो इसमें से इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, या उसके अलावा इसका एक शवलिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें इसने क्या किया, तो वो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इसकी MCQs में आएंगी, तो वो MCQs के हवाले से याद हो जाएंगी, लेकिन इसका जो क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो इसकी प्रिंसिपल्स ही हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, मैक्स वेबर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और इसकी हमने मेन चीज़ को याद करनी है वो सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 से 5 करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, बस आपने वो याद करनी है। उसके बाद आगे है हेनरी फ्योल आता है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कभी भी कि आप 14 प्रिंसिपल्स लिखो, बल्कि इसमें से आपका MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या कहा जा सकता है कि आपसे कि जस्ट इनके नेम लिख दो, तो ज़्यादा नहीं तो पूरा कम से कम आप इनको, आपको नेम तकरीबन सबके याद होने चाहिए। जब आपको से कहा जाएगा कि कुछ थोड़े बहुत इसमें से लिख दें तो 4-5 आपको मतलब डिटेल पता होनी चाहिए, यानी कि नाम इनके मस्त याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का आ सकता है। उसके बाद हाथोन स्टडीज़ है, हाथोन स्टडीज़ एक एक्सपेरिमेंट है, एल्टन मेयो ने ये किया था। इसकी आपने छोटी छोटी सिर्फ इसको एक बार डिटेल में देख लेना है कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको अपने अल्फाज में अगर बता दूँ, अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो, वैसे तो MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ में मैंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन मैं एक शॉर्ट वर्जन में आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि 2 सेम जो है वो रूम्स तैयार किए, उनमें एक टारगेट सेट किया, 2 टीम्स उन्होंने बनाई और दोनों टीम्स को जो है उन्होंने एक टारगेट दिया कि ये काम आपने करना है, इतने टाइम में करना है, और पूरा माहौल उन्होंने दोनों रूम्स का बिल्कुल सेम रखा, लाइक टेम्परेचर, लाइट, जो रिसोर्सेज दिए सब कुछ सेम था, लोग भी सेम थे, टाइम भी सेम था, हर चीज़ सेम दी, ठीक है। और एक ऊपर उनके ऊपर मैनेजर भी खड़ा कर दिया जो उनको मोटिवेट कर रहा है दिस दैट एंड ऑल। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक रूम की उन्होंने जानबूझ के लाइट कम करना शुरू कर दी, वो ये चाहते थे कि देखना चाहते थे कि किसी एक फैक्टर के कम होने से क्या प्रोडक्टिविटी में कमी आती है या नहीं आती। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि जिस रूम की हमने लाइट कम की थी उस रूम के लोगों की भी प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं है, यानी कि दोनों का रिजल्ट तो सेम है, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसे क्या वजह है, किस वजह से ऐसा हुआ कि हालांकि एक रूम में लाइट बिल्कुल फुल है, एक में इतनी कम कर दी जितनी चांद की रोशनी होती है, तो फिर भी उन लोगों का काम सेम कैसे हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में फिर ये था कि क्योंकि उनको एक तो जो है कि कॉम्पिटिशन वाली सिचुएशन थी, दूसरा उनके ऊपर जो मैनेजर्स थे वो उनको मोटिवेट कर रहे थे, तो इन्होंने ये रिजल्ट निकाला था अपनी ऑथर स्टडीज़ से कि अगर रिसोर्सेज कम भी हों लेकिन आपके ऊपर आपके सीनियर्स आपके साथ बातचीत करने वाले हों, आपको मोटिवेट करने वाले हों, आपको समझने वाले हों और आपको ऐसा फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करने वाले हों, तो आप कम रिसोर्सेज के साथ भी जो है वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये था एक हॉथर्न स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट जिसका आपने मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, तो एक बार आप हैंड आउट से इसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि इसके मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है चेस्टर आई बर्नार्ड ने 3 जोन्स दिए, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ रिजेक्शन और जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद अगली है थ्योरी ऑफ नीड जो अब्राहम मेज़लो ने पेश की, अब उसमें बस आपने थ्योरी ऑफ नीड की 5 जो हायरार्कीज़ हैं वो याद करनी है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये डगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी, नाम आपने उस बंदे का याद रखना। और थ्योरी एक्स में उसने जो है बिल्कुल एक मैनेजर का व्यू पेश किया जो बिल्कुल नेगेटिव सोचता है, वो कहता है कि मेरे वर्कर्स इंतहाई लेजी हैं, उनको हर वक्त उनके सर पे खड़े रहने की ज़रूरत है तब वो काम करते हैं दिस दैट एंड ऑल। और थ्योरी वाई एक ऐसा मैनेजर है जो अपने वर्कर्स के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता है, वो कहता है कि मेरे वर्कर्स के लिए काम करना बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनके लिए खाना पीना आराम करना, मैं उन्हें डिसीजन मेकिंग में साथ कर सकता हूँ, यानी उनमें इतनी एबिलिटी है, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव सोचता है अपने वर्कर्स के बारे में। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है जो डगलस मैकग्रेगर ने दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर हैं, तो 5 किस्म की पावर्स होती हैं, इनको आपने इनके अपने
गवर्नमेंट डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट के ट्रेडिशनल फंक्शंस, तो ये चार फंक्शंस हैं, ये आपने जस्ट फंक्शंस के नेम याद रखने हैं। उसके बाद डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड में तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो वो डिवीजन आपने याद करनी है कि एक किस्म के एम्प्लॉयज जो थे टोटली, क्योंकि वो आर्मी एरिया यानी कि डिफेंस पे खड़े थे, एक जो थे उनका काम जो है वो इरिगेशन वगैरह के सिस्टम इन तरीकों को संभालना था, और एक जो है वो बकायदा उनके छह ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बने हुए थे, तो ये आपने डिवीजन अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद शेरशाह सूरी का मेजर वर्क आपने, वो चार पॉइंट्स हैं मेन जो आपने याद करने की, उसने क्या क्या काम किया था, लाइक उसमें एक था जीटी रोड उसने बनवाई थी, दूसरा उसने जो है वो डिफेंस को इम्प्रूव किया था, और दिस दैट एंड ऑल, चार पॉइंट है ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू कंट्री, कि जब हमारा मुल्क बना था तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स थी, इस पे चार पांच वहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, जो हेडलाइंस टाइप पॉइंट दिए गए हैं बस आपने वही याद करने हैं। उसके बाद एडिशनल फंक्शंस जो है मॉडर्न गवर्नमेंट के, और उनकी वजह कि एडिशनल फंक्शंस क्यों हो गए हैं, ये आपने याद करने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मिड टर्म के लिए। उसके बाद रॉयल एड ईगर्स रिपोर्ट, कि जब न्यू रिफॉर्म्स हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो बाहर के लोगों को बुलाया गया था कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर हमारे मुल्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है। तो उसके बाद तो अमेरिका से ये एक बंदा था रॉयल एंड ईगर, ये आए थे और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, तो इस रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं तीन से चार बस आपने वो याद करने हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन और फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, ये दोनों आपने याद करने हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, या पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट ने जो काम करने होते हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइवेट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट इदारे होते हैं उनमें, तो इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है, तो इस पे जो है वो बकायदा आपके दो लेक्चर्स हैं जिनमें बकायदा पॉइंट्स के साथ हेडिंग्स के साथ जो है ये डिफरेंस बताए गए हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम आप उनको उनके डिफरेंस की हेडिंग्स और उनका छोटा छोटा जो ओवरव्यू पता होना चाहिए, बस इतना, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन कितने किस्म की हो सकती है, इन सब की डेफिनेशंस। और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन कितने तरीकों से हो सकती है, ये आपने याद करना है। उसके अलावा गाइडलाइंस टू ओवरकम वीक डेलीगेशन, जो वीक डेलीगेशन है उसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से डेलीगेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो याद करनी है आपने। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी, ये आपने याद करने की वो कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं कि डेलीगेट करने में, ये चीज़ें आपने अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर करने हैं। मैं अगेन बता रही हूँ कि MGT 111 के लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिनमें मैंने बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से जो है वो आपके लेक्चर्स वहाँ बहुत शॉर्ट टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर उनको विजिट करें, वहाँ से ये टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको वो टॉपिक्स पहुँचाना है, वो टॉपिक्स बताना है जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि आप इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कर सको। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्लानिंग, कितने किस्म की प्लानिंग होती है, कितने लेवल्स की प्लानिंग हो सकती है, इंटरनेशनल से लेके पर्सनल लेवल तक आपने हर लेवल की प्लानिंग की जो है वो उसको आपने नेम याद करने हैं। उसके बाद कितने टाइप्स की प्लानिंग होती है, उसके बाद मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, पहलू कौन कौन से हैं प्लानिंग के, ये आपने याद करने हैं। फिर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन के, हमारे मुल्क का जो प्लानिंग कमीशन है जो पूरे मुल्क के लिए प्लानिंग करता है, उसके मेन मेन फंक्शंस कौन से हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन के, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो वो कितने प्रोसेस से गुजर के कंप्लीट होता है, वो प्रोसेस के स्टेप आपने याद करने हैं। उसके बाद अप्रोचेज टू डिसीजन मेकिंग, कितने किस्म के अप्रोचेज हैं जिनसे डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MGT 111 के लिहाज से, आई होप आपको जो है समझ आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपके जो है वो कुछ इसमें टॉपिक्स होंगे लाइक जिसमें जो है वो मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट में या MCQs में किए जाते हैं वो ये होते हैं कि आपसे जैसे थ्योरी है तो थ्योरीज़ में आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्तलिफ थ्योरिस्ट की बुक्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, या फिर ये मतलब सन आते हैं आपके मोस्टली जो है ये आपसे मतलब डेट्स वगैरह पूछी जाती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं लाइक प्लानिंग कमीशन कब बना, जैसे फ़लाँ रिपोर्ट कब पेश की, ये वाले मतलब इस तरीके के टॉपिक्स। और इसके अलावा आपका एक दरमियान में कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है जिसमें आपके मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल फ़लाँ के तहत फ़लाँ काम हुआ, फ़लाँ के तहत फ़लाँ काम हुआ, तो वो आपके शॉर्ट के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह MCQs की वीडियो तो मैं बहुत जल्द बना दूंगी, तो आपके MCQs वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट के लिहाज से मैंने आपको जो एक दो जो है मजीद आपको बता दिए, उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मजीद सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है MGT 111 के सब्जेक्ट का, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ आप मुझसे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। किसी किस्म की भी आपकी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं वहाँ पर। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।